नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मेहंदी गर्ग। ड्रोन और एआई रोबोट का इस्तेमाल लंबे समय से कई तरह के कार्यों में किया जा रहा है। मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इन दोनों ही तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तरकाशी में चल रहे ऑपरेशन सिलक्यारा में भी ड्रोन और एआई रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन मंगाए हैं और इन ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भी वहाँ से आई है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के जटिल प्रयास और जटिल रेस्क्यू ऑपरेशंस में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल कैसे होता है और वो इतना महत्वपूर्ण इन सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो इतने मुश्किल होते हैं क्यों ज़रूरी है। तो बता दें कि उत्तरकाशी में चल रहे ऑपरेशन सिलक्यारा के लिए बेंगलुरु की स्क्वाड्रन इंफ्रा के 6 टनलिंग माइनलिंग विशेषज्ञ इंजीनियर की टीम यहां पहुंची है ताकि वो 41 मजदूरों को उस सुरंग से बाहर निकाल सके। अब टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से सुरंग के अंदर के हालात रिकॉर्ड किए हैं और फिर एआई की मदद से वहाँ का पूरा डेटा इकट्ठा किया गया है, जिससे ये पता लग रहा है कि मजदूरों की कंडीशन सुरंग के अंदर कैसी है, सुरंग के अंदर जो हाल हैं वो क्या हैं। बता दें कि टीम ने आगे कहा है कि इन डाटा से बचाव अभियान को काफ़ी मदद मिलती है और मिल भी रही है। तो स्क्वाड्रन के 2 एडवांस ड्रोन, 6 माइनिंग इंजीनियर, ड्रोन पायलट और जियो टेक्निकल एक्सपर्ट उत्तरकाशी पहुंचे हैं इस सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जिन ड्रोन्स को सुरंग के अंदर भेजा गया है वे रेडार सेंसर और जियोलॉजिकल सेंसर से लेस हैं। ये ड्रोन इतने एडवांस हैं कि किसी भी तरह के मलबे के अंदर पूरी तरह से स्कैनिंग करने के लिए जा सकते हैं। बता दें कि बचाव और राहत कार्यों में ड्रोन और रोबोटिक्स का इस्तेमाल अब आम हो गया है। बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन दोनों ही तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन ड्रोन में कैमरा के साथ साथ कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, LED लाइटिंग्स लगी होती है, जिससे कि कहीं के भी अंदर का जायज़ा जो है वो अच्छे से लिया जा सकता है। अब इन ड्रोन्स की मदद से कई तरह के वीडियोस और फोटो सुरंग के अंदर से कैप्चर की जा रही है और उन डाटा के आधार पर ही सिलक्यारा सुरंग के आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी पूरी रणनीति और पूरा प्लान बनाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से किसी सुरंग या किसी भी दूसरी जगह पर फंसे लोगों के पास खाने पीने की ज़रूरतें भी पहुंचाई जा सकती हैं और ऐसा ही उत्तरकाशी के अभी सिलक्यारा सुरंग में जो चल रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है 41 मजदूरों को निकालने के लिए, वहां पर ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़।